मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। तो योगी को देखने आए हो? जी जी जी। कितना पसंद करते हो? बहुत पसंद करते हैं। पसंद करते हो जी? क्या, ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपको पसंद? मेरी ऐसा है जी, बहन बेटियां सब चोरी डकैती जो होती थी वो सब खत्म है अभी इस टाइम। और आज गरीब आदमी ये सर उठा कर जी सकता। अच्छा, योगी हो चाहे मोदी हो, एक सवाल उठता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं आप मुसलमान, लगता है भेदभाव करेंगे तो फिर वो राशन जो लॉकडाउन में उन्होंने 500 रुपए बहन बेटियों को डलवाए वो क्यों डलवाएंगे? अगर भेदभाव रखेंगे तो वो लोग मुसलमानों से, ये तो मुसलमानों से और लोग हैं जो भेदभाव रखते हैं। अच्छा आदमी कभी भी ऐसे अच्छा आदमी नहीं सोचेगा। ओवैसी का नाम सुना है आपने? ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता बताते हैं और कहते हैं कि योगी भेदभाव कर रहे हैं, आपको महसूस हुआ कभी? मेरी बहन जो लोग कहते हैं ना हम अपने, वही लोग गद्दार होते हैं। जो लोग कहते हैं ना हम तुम्हारे अपने, वही लोग गद्दार होते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यूपी के रहने वाले हैं और यूपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, बढ़िया सरकार है, कोई परेशानी ना। जैसे कि जी उसकी भैंस को ली, चोरी कर ली, डकैती कर ली, बहन बेटियां आ रही हैं जा रही हैं पढ़ने के लिए, उन्हें परेशानी हो रही, अब कोई परेशानी ना। सच सच बताइएगा, किसी डर में तो नहीं बोल? नहीं नहीं, डर गाएगा, डर हमें तो अल्लाह का, किसी का डर गाएगा? अरे तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, हमें काय का डर है? हमें तो सिर्फ खुदा का डर है, हमें किसी का डर नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। बस ये है कि सरकार अच्छी है, योगी जी अपनी यूपी में आ रहे हैं इस वजह से उन्हें देखने के नहीं आए, हम लोग खुर्जे से आए हैं। किस चीज़ का रहेगा गुंडाराज तो खत्म कर दिया? बस नहीं नहीं, डर हमें अपने मालिक का है, हमें किसी का डर नहीं है। हम जैसे मुस्लिम नेता अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है और वो डर में, आप नहीं है? जी जी, देखो मेरी बहन ऐसा होता है जो सरकार अच्छी होती है उसे गिराने के लिए लोग करते ही हैं ऐसा, समझ रहे ना? अब ये लोग, ये सरकार अच्छी चल रही है, हम अच्छा लग रहा है, जब भी तो हम लोग यहाँ पे आए मुस्लिम लोग, हम काय को आएंगे बताइए भाई? ये नहीं कि हमें किसी चीज़ का नुकसान है, हमें तो हर चीज़ का, मेरी बहन फायदा खुशी है। आज गरीब आदमी को तुम एक चांटा मार दो 10,000 का है, गरीब आदमी की जैसे सुनवाई नहीं होती थी आज गरीब आदमी की भी सुनवाई हो रही है योगी जी के राज में, पहले कभी ऐसा ना हुआ। अखिलेश का या माते भाई मायावती का राज हो, किसी का भी राज हो, जैसे कि आज आदमी सुकून की सांस ले रहा है, ऐसा कभी ना हुआ। मतलब अखिलेश में भी मुसलमान इतना सही नहीं था? नहीं। जी 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 जी, अब आदमी खुश है, आज जो है आदमी खुश है, बिल्कुल आराम से जी रहा है, क्योंकि जो दबंग लोग हैं उन्हें दबाए जा रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो तो खुश है ही। मेरी बहन हमें कोई परेशानी ना करना जी, हमें कोई परेशानी है भाई, जो दबंग जैसे जो करेगा ऐसा भरेगा, जिन्होंने हराम के माल मार रखे हैं उन्हें योगी जी परेशान कर रहे हैं, तो उन्हीं परेशानी हो रही है, हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही। जो बात हम झूठ बोलें भाई, हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है बिल्कुल भी, हम तो खुश हैं मेरी बहन, खुशी में ही तो जब भी तो यहाँ आए, यानी हम काय को आएंगे बताइए। हाँ जी बहन, योगी को देखने आए हैं जी? तो विपक्षी तो ये अखिलेश, ये लोग तो आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम तो 2014 से योगी जी से जुड़े हुए हैं, इनको ही वोट देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इन्हीं के संग हैं। कोई अब कोई भी आए हमारे लिए, हमें योगी से बढ़िया कोई नहीं है। ओवैसी कैसे लगते हैं? कोई कुछ नहीं है हमारे लिए, ना ओवैसी ना कोई, हमारे लिए योगी जी हैं, बढ़िया काम कर रही हैं हमारे, काम गांव में भी, देश में भी, हर जगह हमने देखा। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बड़े बूढ़े सब मिट्टी में लफा ना, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हाँ बताइए, देश को देखो भाई, हम खुश हैं योगी राज। बहन जी हम खुश हैं बहुत, रोजगार है आपके पास। हाँ, अखिलेश राज में ज्यादा अच्छा लगता था या योगी राज? हमें योगी राज में अच्छा लग रहा। डर में तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, डर में हमें किसका डर है, मौत तो एक दिन सबको आनी है, बरकरार रहे, सब मरने है, कोई बचेगा? भेदभाव जैसा महसूस? नहीं नहीं, हमें कोई भेदभाव नहीं है, बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, ये जो पूरा महागठबंधन चल रहा है, सारे विपक्षी एक तरफ हो गए हैं, जिसमें मतलब सारे, ये नीतीश भी हो गए हैं, केजरीवाल भी आ गए, ममता बनर्जी भी हो गई है, तो 2024 में ये सारे मोदी को टक्कर दे पाएंगे या मोदी भारी पड़ेंगे? मोदी जी भारी पड़ेंगे, मोदी जी गीदड़ मिलकर भी शेर को नहीं हरा सकते मैम, सारे गीदड़ भी मिलकर शेर को नहीं हरा सकते, शेर शेर होता है, शेर शेर होता है, गीदड़ कभी शेर का जो मंजूर है खुदा होता है, जिसने जिसको इज्जत रखी है उसे ही मिलेगी। मैं शेर शेर होता है, ये सब मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट 3-3 लाख रुपए मोदी जी बांट रहे हैं घर बन वाले मुसलमानों का, ये कौन कर रहा है, ये सरकार कर रही है? मोदी जी तो पता भी, मोदी जी कर रहे हैं जो गरीब लोगों के घर बनने हैं, आज जमीन भी दे रही है और पैसा भी दे रही है घर बनाने के लिए, आदमी गरीब रह सकता है आराम से, आज से पहले उस सरकार में कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। भाइयों बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे, मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था, अभी 3 दिन पहले
बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था, बड़ी गर्मी थी। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास, काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। मथुरा वृंदावन जैसे काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई आभा के साथ दिव्य और भव्य काशी के रूप में आज जगमगाहट के साथ वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है, ऐसे ही अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में जगमगा रही है। और मुझे लगता है हर भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत का शुभचिंतक होगा, वह जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, अयोध्या में वह दिन भी नजदीक आने वाला है। और मैं कल मथुरा वृंदावन की जगमगाहट को वहां पे चल रहे कार्यक्रमों को भी देख रहा था, देर रात्रि तक मुझे अनेक स्थानों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आज प्रातः जब मैंने मालूम किया कि क्या स्थिति है गौतम बुद्ध नगर की तो मुझे बताया गया बारिश हो रही है, कैसे कार्यक्रम होंगे। मैंने कहा चिंता मत करिए, तो जो पहले से बोला गया उसके अनुरूप हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अब विकास के बारे में लोग सोच रहे हैं, विकास होना है, लोगों के मन में एक बात आ गई है कि हम केवल और केवल सकारात्मक सोच के साथ, जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी है हर एक क्षेत्र में। आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया, दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, हर भारतवासी गौरवान्वित है। आपने परसों देखा अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे और अमेरिका में क्या अभूतपूर्व स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों वर्तमान में आजादी के अमृत काल में भारत 2 बड़ी उपलब्धियों को लेकर के वैश्विक मंच पर छा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। G20 दुनिया के 20 बड़े देश जिनके पास कुल दुनिया की आबादी की 65% से अधिक आबादी निवास कर रही है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% GDP पर जिनका अधिकार है और 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उन देशों की अध्यक्षता भारत वर्तमान में कर रहा है। G20 का एक समिट गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी प्रस्तावित है। भाइयों बहनों एक तरफ यह और दूसरी तरफ जब भारत अपनी आजादी के अमृत काल में चल रहा है, एक नए भारत के रूप में, एक खुशहाल भारत के रूप में, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ता हुआ भारत आज हम सबके सामने है। कोरोना काल खंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 3.25 वर्षों से
80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है। भैया बहनों 80 करोड़ लोगों को भारत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है, और दूसरी तरफ 1947 में